सरकार की तरफ से खरीफ की फसल को लेकर के खरीददारी की डेट निर्धारित कर दी गई है यहां पे आप देख सकते हैं यहां सरकार की तरफ से घोषणा करके बताया गया है एक अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद धान की फसल है वो एक अक्टूबर से खरीदी जाएगी तो यहां पे मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं क्या कुछ दिशा निर्देश हैं मैं आपको यहां पे बता देता हूं यहां पे कहा गया है चौबीस सितंबर तक पंजीकरण के लिए फसल डॉट हरियाणा डॉट जी डॉट इन यानी कि जो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा कराते हैं तक करा पाएंगे इसके लिए विशेष इस तौर पे जो पोर्टल है वो तीन दिन के लिए ओपन किया गया था तो अभी ये चौबीस तारीख तक ओपन है इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं यहां पे मंडियों में खरीद से जुड़े सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा दे दिए गए हैं यानी कि सीएम के द्वारा कहा गया है कि जितने भी प्रबंधन हैं उनको कंप्लीट करके रखना है अधिकारियों को इस प्रकार से निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसी के साथ मंडियों में पहले की तरह हेल्प डेस्क भी की पहले किसानों को समस्याएं हो रही थी और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए विशेष तौर पे हेल्प डेस्क तैयार किए गए थे इसी प्रकार से फिर से स्थापित किए जाएंगे ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तो वो हेल्प डेस्क के माध्यम से उसका निवारण कर पाए साथ यहाँ पे कहा गया है हेल्प डेस्क पर किसानों की शिकायतों का समाधान या निवारण किया जाएगा फसलों की समयबद्ध तरीके से खरीद और स्टोरेज किया जाएगा सुनिश्चित यानी कि जो स्टोरेज है और खरीद है उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिसबैलेंस ना हो तो यहाँ पे उसको भी विशेष तौर पे ध्यान पे रखा जाएगा उसी के साथ आपको मैं बता दूं यहाँ पे किसानों को मंडियों में नहीं होगी कोई असुविधा तो सुविधा को भी यहाँ पे जो निर्देश हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से अधिकारियों को दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की फसल को लेकर समस्या का सामना ना करना पड़े तो कोई भी असुविधा ना हो सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं उनको विशेष दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं तो दोस्तों एक अक्टूबर के बाद आप यहाँ पे जो खरीफ की फसल है वो बेच पाएंगे तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारियां लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो धन्यवाद दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नई जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम